चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। कहता है फोटो सेंसेटिव मटेरियल है। चलो एक फोटो सेंसेटिव मटेरियल ले लेते हैं। इससे हम क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने वाले हैं। ये इस पे कहता है थ्रेश फोटो सेंसेटिव मटेरियल, थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी। इस मटेरियल की जो थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी है न्यू नॉट, हम सबको पता है वो 3.3 × 10¹⁴ ऐसा दिया हुआ है। हर्ट्स इतनी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया है। और यहाँ से जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है न्यू, दैट इज 8.2 × 10¹⁴ हर्ट्स, ये ऑलरेडी ऐसा कह रहा है। अब कहता है इंसिडेंट द कट ऑफ वोल्टेज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। ऑब्वियसली जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, समझना, ऑब्वियसली ये कट ऑफ से ज़्यादा है। तो यहाँ से जैसे ये पड़ेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए होंगे। तो ये क्या पड़े थे यार, यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट हुआ था। तो ये फोटोन अगर यहाँ से इंसिडेंट हुए थे, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए उनको रोकना है, तो उनको स्टॉप करना है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी, 1/2 mv² और ये काइनेटिक एनर्जी vc² कट ऑफ के इक्वल होता है, जो हम पहले से थ्योरेटिकल पढ़ा है। तो ये कहता है कि कट ऑफ वोल्टेज फॉर वीसी हमें कैलकुलेट करना है। तो याद रखना, अगर वीसी कैलकुलेट करना तो आइंस्टाइन का इक्वेशन लगा दो, जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कोई भी एनर्जी बर्बाद नहीं हुई है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस है। तो ये एच न्यू और ये आ जाएगा एच न्यू नॉट प्लस ये आ जाएगा वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी वीसी के इक्वल है। तो यहाँ से जो वीसी की वैल्यू आ जाएगी एच न्यू माइनस न्यू नॉट और डिवाइडेड बाई ई, ये वाली जो चीज़ है यही इस मेटल का कट ऑफ पोटेंशियल है। अब बाकी जो है वो वैल्यू तुम रख लो, तो बाकी अगर वैल्यू रखोगे तो एच की वैल्यू रखोगे 6.63 × 10¹⁴ और न्यू फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में कितनी थी, 8.2 × 10¹⁴ था और माइनस 3.3 × 10¹⁴ था, और डिवाइड कर दूँ 1.6 × 10¹⁻¹⁹ से। तो ये 14 ये कॉमन आ गया, इसको पूरा कैलकुलेट कर लेना, सॉल्व कर लेना, अप्रॉक्सीमेटली 2 वोल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये फाइनली ये हमारा बी ऑप्शन सही है।